Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas. अब शादी की तैयारियां शुरू करें। बताइए। और अस्मा? घर गई अस्मा। जानते हैं शहरयार को? कहाँ मिले थे? कैसे मिले थे? आप बताएं ना। हाँ। मेरा दोस्त नहीं आया था जिसके लिए कॉफी बनाई थी तुमने मरी। तुम्हारी मेरी जिंदगी में इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। शरीयत छोड़ो, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से। इसको ये क्यों नहीं बताया कि इसका बच्चा जिंदा है? और ये बच्चा उसका और तुम्हारा है और तुमने सिर्फ हमें गोद दिया। मुझे किसी को कोई सच्चाई नहीं बतानी है। बता दें आप आसमा को कि अब वो यहाँ नहीं रह सकती। निकाल दे इसे घर से, वरना मैं इसे खुद निकाल देती हूँ। तुम निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाएगी। तुम इसको किस रिश्ते से यहाँ रोक रहे हो? अगर इससे मेरे कोई रिश्ता नहीं है तो मैं रिश्ता बना लूंगा, इससे शादी कर लूंगा मैं। मुझे आज पता चला तुम्हारी नियत नहीं घोटती। आसमा का शौहर जिंदा है। I'm so sorry. मेरे मुंह में जो कुछ आया मैं बोलता गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। मेरा ये मकसद नहीं था। असल तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? जिसके बारे में मजीद बात नहीं करनी, आप चले जाएं यहाँ से प्लीज। मर चुका है शहरयार। और जानते हो शहरयार को मारा किसने? तुमने अस्मा, तुमने उस दिन मारा शहरयार को जिस दिन तुमने अपनी ख्वाहिशों की खातिर लालच में हमारे बच्चे को उस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया था। लोग सही कहेंगे, तुमने वही किया जो तुम्हारे खून में था। तुम्हारा मोहब्बत पे कितना बिलीव है? मोहब्बत पर? अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जिसे तुम शादी करने वाली हो वो किसी और से मोहब्बत करता है, फिर क्या करोगी? मैं क्या करूँगी? मैं उस शख्स के साथ शादी से इनकार करता हूँ। तो फिर प्लीज इनकार कर दो। किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मैं बार बार अपने घर वालों को समझा चुका हूँ, मगर वो मेरी बात नहीं समझ रहे। कभी क्लास डिफरेंस को बीच में ले आते हैं, कभी सिर्फ अपनी इज्जत को। मैंने बहुत दफा तुझे शादी से इनकार किया है, मगर लोग नहीं मान रहे। मुझ पर बहुत फैमिली प्रेशर है। प्लीज तुम अपनी तरफ से इनकार कर दो। ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। उसका नाम अस्मा है। बहुत चाहते हैं आप उसे? तुमने उसको सच्चाई क्यों नहीं बताई? उसको ये क्यों नहीं बताया कि उसका बच्चा जिंदा है और ये बच्चा उसका और तुम्हारा है और तुमने सिर्फ हमें गोद दिया? मुझे किसी को कोई सच्चाई नहीं बतानी है। अगर वो गलत समझ रहे तो गलत समझता रहे। शहरयार, कहाँ रह गए थे तुम? मैंने तुम्हें इतनी फोन कॉल्स की हैं, तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन घर पे रह गया था, काम से गया था। बहुत मुबारक हो। किस बात की?
शहरयार, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। अस्मा ने समीर से शादी नहीं की। क्या कह रही है तुम? मेरा यकीन करो, मैंने खुद अस्मा को देखा था। वो घर के बाहर थी, वो तुमसे मिलने आई थी। शहरयार, तुम घर पे नहीं होगे ना, इसलिए वो अंदर नहीं आई होगी। तुम भी आ गई ना उसकी बातों में, उस मक्कार और धोखेबाज झूठी औरत की। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। तुम ये सब इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती? मैंने उनका पीछा किया था शहरयार, और मैंने उसे समीर से बात करते हुए सुना था। समीर की बीवी माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसने तुम्हारे बच्चे को गोद लिया है। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा है शहरयार, सिर्फ तुम्हारा। चलो उसे जाकर लेकर आते हैं। चलो मेरे साथ अभी और इसी वक्त। मैं नहीं जा सकता, और जाऊं भी तो किस मुंह से जाऊं? लेकिन क्यों शहरयार? कि मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सुपल। वो आई थी यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और इसमें बड़े बड़े इल्जाम लगा के उसको धक्के मार के इस घर से निकाल दिया था। क्या तुमने ऐसा क्यों किया शहरयार? वो तुमसे मिलने आई थी, तुमने उसकी वफा पे शक किया। मगर मैं भी क्या करूं, जो कुछ भी मैं देख रहा था वो सब कुछ सच ही था। वो उसके घर में रह रही थी, उसके साथ हॉस्पिटल जाती थी। ये सब एक गलत फहमी है शहरयार, मेरा यकीन करो। चलो तुम उसे सब कुछ सच बता देना, वो मान जाएगी तुम्हारी बात। जाऊंगा उसके पास। मेरी यही सजा है कि मैं सारी जिंदगी इसी आग में जलता हूं, वापस अमेरिका चला जाऊंगा और अब कभी वापस नहीं। अगर मैं इसमें को फेस नहीं कर सकता सुबुल, मैं शहरयार, ये सब क्या है? दिन रात तुम उसे तलाश करते रहे हो, और जब वो मिल गई है तो तुम आप पीछे हट रहे हो। तुम यहां क्यों आई हो? उसे माफी मांगने आई हूं। मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा सोच रही हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम पे तरस खाकर मैंने अपने घर में तुम्हें पनाह दी, और तुमने मेरा ही घर बर्बाद करके रख दिया। जिंदगी में आज पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ इस तरह से पेश आ सकता है। मैं आपको यही तो बताना चाह रही हूँ कि आप जो समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे और समीर साहब के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है सिवाय हमदर्दी के। तुम कह रही हो कि कोई रिश्ता नहीं है? अरे उसने तो सबके सामने ये कह दिया कि वो तुमसे शादी कर लेगा ताकि तुम्हें इस घर से कोई ना निकाल सके, और फिर भी कहती हो रिश्ता नहीं है। पीछे को नाराज है, वो सारा बीबी से नाराज है। मेरी शादी तो समीर साहब से कभी हो ही नहीं सकती। मैं आपको बता भी नहीं सकती बीजी पूरी बात। अल्लाह जानता है बीजी के मेरे और समीर साहब के दरमियान कोई रिश्ता नहीं सिवाय हमदर्दी के। पीछे मेरी बात का यकीन कर ले, मैं बहुत मजबूर हूं। अब यही चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? ठीक है, मैं आपको कल से इस घर में नहीं दिखूंगी। बीजी, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा।
शक्ति पूरी नहीं हूं जो आप समझ रही हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही सुंबल, हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अंदर जाऊं और उसको फेस करूं। नानू गई है अंदर अभी। शहरयार, तुम्हें नानू के साथ जाना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन उसे तो गलती हुई है, उसके बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी उसको फेस कर सकूंगा। गलती तो हर इंसान से हो जाती है ना, लेकिन उस गलती की तलाफी करना सबकी बस की बात नहीं होती। मेरे ख्याल में तुम्हें अस्मा के पास जाना चाहिए। मैं कॉल बैक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। खातून, मैं आपको पहचानी नहीं। मैं समझी आपके रिश्तेदार हैं, इसीलिए मैंने बिठा लिया। नहीं नहीं नहीं, रिश्तेदार नहीं है। मुझे दरअसल आपसे एक काम था, इसलिए मिलना बहुत जरूरी था। अच्छा, तुम जरा जाके चाय तो लेकर आओ। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मेरी बेटी है आपके घर में, कुछ अर्सा पहले छोटी सी बात पे नाराज होकर आ गई, मैं उसको लेने के लिए आई। आपकी बेटी मेरे घर में? अब आप किसकी बात कर रही हैं? अस्मा कहाँ है वो, उसे बुला दीजिए प्लीज। अस्मा आपकी बेटी? जी जी बेटी है मेरी, छोटी सी थी जब से उसकी माँ उसको मेरे पास छोड़कर चली गई, तो सीने से लगा कर रखा है मैंने उसे, अपनी औलाद की तरह पाला है मैंने उसे। कहाँ है, उसको बुला दीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा, मैं यही सोच रही थी कि आप जैसी मोजिस खातून की कोई बेटी हो, वो इस तरह घर छोड़कर चली जाए, दर दर की ठोकरें खाती रहे और आप इतने सुकून से बैठी। हाँ आपकी सगी बेटी नहीं है ना, इसलिए वो लोग कहते हैं ना कि सगी जैसी होने में और सगी बेटी होने में बहुत फर्क है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे लिए मेरी बिल्कुल सगी बेटी की तरह है, मैंने हमेशा उसको अपने सीने से लगा कर रखा है, अपनी औलाद की तरह पाला है मैंने उसे, हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल माँ बेटी की तरह का है। आप उसको बुलाइए ना, वो खुद बता देगी। माफ कीजिएगा, आप क्या समझती हैं मैं यहाँ से उसको जाने दूंगी? ये कैसे कह सकती हैं आप? अरे क्या पता कल आपको फिर कोई गलत फहमी हो जाए और उसको बच्चे को घर से आप निकाल के बाहर कर दें और फिर वो वही सड़कों पे फिरते फिरे, दर दर की ठोकरें खाती फिरे, आपका क्या भरोसा? आसमा ने मुझे खुद बताया था कि आप लोगों के सिवा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, पर आपने उसको घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। न जाने वो इतने दिन कहां कहां दर दर की ठोकरें खाती फिरी और आपको परवाह तक नहीं हुई। आपको ये ख्याल नहीं आया कि एक जवान जहान लड़की को आपने घर से निकाल दिया, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। नहीं नहीं, आप ऐसे जबरदस्ती उसे यहां नहीं रख सकती।
आप बुलाएं उसे, मैं लेकर जाऊंगी उसे अपने साथ। कहाँ है अस्मा? अस्मा, 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 बेचार अस्मा, अब कौन है ये? मैं कह रही हैं अस्मा इनकी बेटी है और उसको ले जाना चाहती हैं यहाँ से। बेटी? हाँ हाँ, बेटी है मेरी। मैंने पूरी जिंदगी उसको अपने सीने से लगा कर रखा है, पाल पोस के बड़ा किया है। प्लीज उसे बुला दीजिए, मैं उसको लेने के लिए आई हूँ। कहाँ है वो अस्मा? अम्मी जान, अस्मा मेरे बच्चे। खबरदार, जो आइंदा इस दरवाजे तक तुम्हारे कदम आए, दफा हो जाओ यहाँ से, शरीफों का घर है। शक्ल भी नहीं दिखाना मुझे, समझ गई हो तुम? क्या समझते हो अपने आप? मैं मानता हूं कि हमारी दोस्ती को इतना वक्त नहीं हुआ, लेकिन मैंने तुम पर भरोसा किया था। I trusted you. अपने दिल की बात तुम्हें सुनाई थी और तुमने अपने दिल की बात मुझे सुनाई है। We had a friendship. मुझे और अस्मा को साथ देखकर तुमने अपने दिल में पद कमाने की इतनी बड़ी किरा बांध दी। मुझे पूछा तो होता तुम्हें बता देता, मैं तुम्हारा दोस्त था। इससे बहुत बड़ी गलती हो। मैंने अस्मा पे शक किया, तुम पे शक किया, तुम्हें अपना दोस्त कह के सारे रास्ते तुम्हें दुश्मन समझता हुआ वापस आया। चलो ठीक है, मेरे से तो दोस्ती नहीं थी तुम्हारी, लेकिन अस्मा, अस्मा पे शक करके तुमने बहुत बुरा किया। अस्मा तुम्हारी मोहब्बत को अपनी जिंदगी का सरमाया समझ के हर इल्जाम सहती रही और पल भर में तुमने उसको बेवफा कह दिया। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे बगैर उसने क्या क्या सहा है? दर बदर बेयार और मददगार फिरते रहेंगे सड़कों और तुम कह रहे हो लालची है, बेवफा है। नहीं, मैं जानता हूं मैं बहुत बुरा हूं। मैं अस्मा को शायद डिजर्व ही नहीं करता, इसीलिए कुदरत ने मुझे उससे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। चलो चल के उसे माफी मांगो, आओ। मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं है समीर, मैं नहीं फेस कर सकता उसको। देखो बेटा, जिंदगी में बहुत ऊंच नीच आती रहती है, बहुत रंग बदलती है जिंदगी। बेशक हम बड़े हैं, लेकिन बड़ों से भी गलती हो जाती है बेटा। पता नहीं जिंदगी क्या क्या रंग दिखा बेटा, हकीकत कुछ होती है और नजर कुछ और आ रहा होता है। बस उसी में बड़े भी धोखा खा जाते हैं, बड़े भी गलती कर जाते हैं बेटा। कैसे अपनी जान, कैसे आपसे ये भूल हो गई? मार क्यों? मैं मार क्यों? मेरे रगों में किसी और का खून दौड़ रहा है, लेकिन परवरिश तो आपकी थी ना। परवरिश में कैसे शक दिया आपने? कितना रोए, कितना गिड़गिड़ाए, लेकिन आपने जबरदस्ती मुझे पराया कर दिया। मुझे कहा कि मैं पूरे खानदान से हूं, क्यों?
नहीं जा रहा। जिस तरह से हालात बदलते गए, ना जानते हुए भी मैं तमाम बातों पर यकीन करती चली गई और यही मेरी भूल थी। कोई फायदा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मुझे हर हकीकत का पता चल चुका है। हम सब जान गए तुम हमारी हो, हमारी अपनी, और वो बच्चा भी हमारा। बच्चा? किसका बच्चा? कैसा बच्चा? आसमा, तुम्हारा कोई बच्चा भी है? हाँ, वो बच्चा इसका है। बताओ कहाँ है हमारा बच्चा? मेरा कोई बच्चा नहीं आसमा। ऐसा ना कहो बेटा, अब हमें सारी हकीकत मालूम हो गई है। हम सब जान गए हैं बेटा, बता दो कहाँ है हमारा बच्चा। आसमा, बताते क्यों नहीं हो? कहाँ है वो बच्चा? कौन सा बच्चा? बीजान, आसमा का कोई बच्चा नहीं है। आसमा बताओ ना, तुम्हारा तो कोई बच्चा नहीं है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सुने, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जिसे आप अपना पोता समझ रही है ना, वो आपका पोता नहीं है, वो मेरे नवासे का बेटा है। समीर, ये क्या कह रही है? विजय सही कह रही है, ये बच्चा हमारा नहीं है। समीर, ये तुम क्या कह रहे हो? शेरी हमारा ही तो बेटा है, शेरी की माँ तो मैं हूँ। जारा, हमें ये बच्चा वापस करना ही हमारा बच्चा नहीं है। शेरी हमारा बेटा है, छोड़ो मुझे, सब जो बोल रहे छोड़ो। शेरी मेरा बेटा है, क्यों आप हमारी जिंदगी आजाद करने के लिए इधर आ गई है? हम सब खुश थे, अब मैं तो क्यों नहीं कुछ बोलती हूँ? आप जाए हमारे घर से, चलिए। तुम ये नहीं कर सकती। शेरी की माँ मैं हूँ, तो कुछ बोलती क्यों नहीं हो? शेरी मेरा बेटा है। बच्चे को कोई मुझसे नहीं लेके जाएगा। सारा दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ चले जाओ। शेरी कहीं नहीं जाएगा। सारा प्लीज दरवाजा खोलो, डोंट डू दिस। शेरी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। आसमा, ये तुमने क्या किया? तुमने क्या? क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? ये लो, ये तुम्हारे फूलों के जेवर, हमारे घर का मोतिया ही। चलो उठो, तैयार हो।
मैं तुम्हें आज खुद तैयार करूंगी, पहले ही बहुत देर हो गई है। देर तो वाकई बहुत हो गया आप ही। क्या मतलब? कहीं इन गजरों की खुशबू आप मेरे लिए चुरा कर तो नहीं लाई ना? अब इस बात का क्या मतलब? पता है आपको, खुशबू और खुशियां हर कोई नसीब में से अपने हिस्से की ही पाता है। हम लाख कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन किसी का सुख और मुस्कुराहट छीन कर हम अपना दामन नहीं भर सकते। अभी मैं जानती हूँ, अब तक आपने जो कुछ भी किया मेरी मोहब्बत में किया, मेरा मुस्तकबिल अच्छा बनाने के लिए किया, लेकिन ये सब करते हुए आप भूल गए कि आप अपनी बहन की खातिर एक मासूम का हक छीनने की कोशिश कर रही। आपने मुझे और शहरयार को मिलाने के लिए अस्मा को बीच में से निकाल दिया, हालांकि उन दोनों के बीच में तो मैं आई थी, वो दोनों तो पहले ही एक दूसरे को चाहते थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और तुम्हें पता है, इस बार ये शादी मेरी कोशिशों से नहीं हुई, बल्कि शहरयार की अपनी पसंद से हो रही। मोहब्बत और पसंद में फर्क होता है आपकी, और वो अस्मा को भुलाने के लिए मुझे कबूल कर रहा है, वरना हम दोनों के दरमियान तो ऐसा कोई जज्बा अभी तक सामने ही नहीं आया। क्या मतलब? शहरयार को पसंद नहीं करती? मैंने शहरयार को नहीं चुना अभी, वो बस आ गया मेरी जिंदगी, और मैंने खुद को वैसे ही एडजस्ट किया जैसे मुझसे कहा गया। कभी आपने, अब्बा जान, शहरयार ने, खुद ने। क्या फजूल बातें कर रही हो? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? मैं सब जानती हूँ, ये तुम सब कुछ उस अस्मा के लिए कर रही हो ना, अपने बारे में नहीं सोच रही। मैं इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ आप ही। मैं और शहरयार ये शादी अपने बड़ों की खुशी के लिए कर रहे हैं, वरना मैं जानती हूँ ना शहरयार मुझे आज चाहता है और ना मुझे कल चाह सकेगा, और मैं भी उसके लिए इतनी कोई गहरी मोहब्बत महसूस नहीं करती हूँ कि अगर वो मुझे ना मिले तो मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। सुंबुल, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? समझने की कोशिश करो कि तुम क्या कर रही हो और तुमको क्या करना है। समझने की कोशिश आप करें आप ही, क्योंकि आप नहीं जानती कि जो खुशी आप अपनी बहन को देना चाहती हैं वो जबरदस्ती की है, और वैसे भी मैं शहरयार की सेकंड ऑप्शन नहीं बनना चाहती। कितनी सजा मिलेगी मुझे? क्या तुम मेरी ये गलती माफ नहीं कर सकती? तुम मुझे बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या सोचती? तुम्हारा अस्पताल में नाम मिसेस समीर के नाम से दर्ज हुआ था। मैंने तुम्हें पहली बार समीर के साथ अस्पताल के बाहर देखा। जब गार्ड से पूछा तो गार्ड ने मुझे बताया कि तुम समीर की बीवी हो। जिस तरह समीर तुम्हारा ख्याल रख रहा था, तुम्हारा बच्चे का, मैं और क्या सोचता? एक ही छोटी सी तो गलती हो गई मुझसे, और अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी इसी गलतफहमी का शिकार होते। तो और मैं क्या करता? जब मैं अपने एक्सीडेंट के बाद पाकिस्तान वापस आया, इस बार मैंने तुम्हें कहां कहां तलाश नहीं की, तुम्हारी एकेडमी गया, हर अस्पताल, हर पुलिस स्टेशन, यहां तक कि तुम्हारी तस्वीरें लिखी, पागलों की तरह शहर शहर भटकता,
आज तभी लोगों से पूछ रहा था कि कहीं इस तस्वीर वाली लड़की को देखा था, मुझे बता दो। फिर तो मुझे कहीं नहीं मिली, और जब मिली तो वहां पे समीर की बीवी के रूप में मिली थी। फिर तुमसे मोहब्बत इतनी करता था कि थोड़े से गुस्से के बाद जब तुम्हें मैंने वहां खुश देखा, समीर का घर बार देखा, पता नहीं क्यों दिल ने तुम्हें माफ कर दिया आसमा। इसलिए तुम्हें तुम्हारे हाल में वहां छोड़कर मैं चुपचाप यहां वापस आ गया। लेकिन फिर अन्ना भी ने मुझे बताया कि तुम हमारे बच्चे की मां बनने वाली थी, मगर तब तक मैं यह जान गया था कि तुम समीर की बीवी हो। उस वक्त अस्मा, उस वक्त मुझे तुमसे नफरत हो गई थी। उस वक्त मुझे लग रहा था कि तुमने सिर्फ पैसों की खातिर, एक अच्छे घर बार की खातिर, एक अमीर आदमी से शादी करने की खातिर तुमने मेरे बच्चे को जाया कर दिया। जाया कर दिया? कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मैंने हमारा बच्चा जाया कर दिया। अस्मा, मुझे पता चल गया कि वो मेरी गलत फहमी थी। जो कुछ भी सोच रहा था, जो कुछ भी मुझे नजर आ रहा था, वो सब गलत था। मैं मानता हूं कि सारी गलती मेरे घर वालों की है। वफा निभाना तो मैंने तुमसे सीखा है, तुमसे, तुम्हारे किरदार में मुझे कोई डाउट नहीं है अस्मा। मैं सिर्फ माफी मांग रहा हूं तुमसे। जब मुझे पता चला कि तुम जिंदा नहीं हो, हमारी निशानी को महफूज रखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया शहरयार? दर दर की ठोकरें खाई, लोगों की गालियां सुनी, तोहमतें सुनी, क्या कुछ नहीं किया मैंने? हजार दफा जी, हजार दफा मरी, कभी खुदकुशी की और कभी, लेकिन तुम नहीं समझ सकते ना, तुम पे थोड़ी गुजरी है। सारा वक्त मैंने अकेले काटा है, तुम तो बस आए, हर फैसला सुना दिया और बीच में सब छोड़ के भी चले गए। कभी पलट के नहीं पूछा, सोचा नहीं मेरे बारे में। मान लो अपनी गलती, मान लो अपनी गलती, मान लो मुझे गलती हो गई, माफी मांग ली। मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के बगैर अब तो एक पल भी नहीं रुका। वो अब हमारा बच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैंने समीर साहब से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। मैं हमारे बच्चे को एक नाम देना चाहती थी, बड़े खानदान का नाम, और वैसे भी माशा तो खानदान के नाम से रिश्ता जोड़ना चाहता है ना। नाम सच्चा हो या झूठा किसे फर्क पड़ता है? सारा बीबी से मैं वादा कर चुकी हूं, ये बच्चा उनका है, मैं वादा खिलाफ ही नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो मैं धोखेबाज हूं और ना ही बेवफा। रह लोगी तुम अपने बच्चे के बगैर? झूठ बोल रही हो तुम। सबर नाम की तो चीज तुम्हारे चेहरे पे दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारी ममता कितनी तड़प रही है साफ नजर आ रहा है मुझे। हाँ तो भाई ठीक है ना, मुझे आदत हो गई सर तड़प तड़प के रहने की, और मैं सबके बगैर रह लूंगी। बस एक बार और बता दो, मेरे बगैर भी जी लोगी? हाँ जी लूंगी। अगर मैं तो मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, मैं मर जाऊंगा तुम्हारी बगैर। वाकई मर जाऊंगा।
हाँ बोलो सुंबर, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है हादी को, कहां से गिर गया वो? कौन से अस्पताल के आईसीयू में? तो वही रहो, मैं फौरन आ। तुम तो रह लोगी ना सबके। आतिश इश्क है सीखे बचा।